क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो यह है कि बर्न को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मेन जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है वो ये है कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जब हमने इसका किया तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में किया। फर्स्ट डिग्री बर्न जो है वो सुपरफिशियल बर्न है, सेकेंड डिग्री बर्न जो है तुम्हारा वो पार्शियल या डीप बर्न है, और थर्ड डिग्री बर्न तुम्हारा फुल थिकनेस बर्न है। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो फर्स्ट डिग्री बर्न जो है तुम्हारा वो एपिडर्मल लेयर इसमें इन्वॉल्व है, सेकेंड डिग्री में तुम्हारा एपिडर्मल और डर्मल इन्वॉल्व है, और थर्ड डिग्री में तुम्हारा पूरा सारी लेयर्स जो है तुम्हारी बोन्स तक ये तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे मसल भी इन्वॉल्वमेंट है, डीप फेशिया, सुपरफेशियल फेशिया, स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, डर्मिस, एपिडर्मिस, हेयर्स वगैरह, ये सारे तुम्हारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंस अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में क्या डिफरेंस है। डेप्थ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिग्री में केवल एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, सेकंड डिग्री में एपिडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होता है, और थर्ड में तुम्हारा डीपर टू डर्मिस हमने बोन तक देखा था डायग्राम में, ये आपका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है वाला बनाना है हमको। ठीक है, कलर की अगर बात करें तो तीनों में अलग अलग कलर है। फर्स्ट डिग्री में रेड या फिर पिंक देखने को मिल सकता है, सेकेंड डिग्री में डार्क रेड, थर्ड में वाइट, ग्रे या ब्लैक जिसे हम चेयरिंग कहते हैं देखने को मिल सकता है। पेन टू स्टिमुलाई में अगर हम देखें तो फर्स्ट में पेनफुल रहेगा, टेंडर रहेगा, मतलब छूने पे दर्द होगा, सेकेंड में वेरी पेनफुल, थर्ड में पेनलेस क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ब्लंचिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी, सेकेंड में भी देखने को मिलेगी लेकिन स्लो देखने को मिलेगी, और थर्ड में नहीं देखने को मिलेगी। तो बात यह है कि आपकी ब्लेंचिंग होती क्या है, तो ये ब्लेंचिंग का डायग्राम वगैरह दिखाया गया है कि जब आप अंगूठा लगाते हैं, प्रेस करते हैं उस जगह को, तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेस हो जाता है ब्लड और वाइट पैच देखने को मिल जाता है। ब्लिस्टर की अगर बात करें तो फर्स्ट डिग्री में प्रेजेंट नहीं होता है ब्लिस्टर, सेकेंड डिग्री में प्रेजेंट होता है, थर्ड डिग्री में हो सकता है कि प्रेजेंट हो या हो सकता है कि नहीं दिखे, ना प्रेजेंट नहीं हो। अपीरेंस की अगर बात करें तो फर्स्ट डिग्री में तुम्हारा ड्राई होता है, सेकंड डिग्री मॉइस्ट होता है, और थर्ड डिग्री ड्राई और लेदरी देखने को मिलता है। हेयर लाइन की अगर बात करें, हेयर लाइन वो हीलिंग टाइम की अगर बात करें तो फर्स्ट डिग्री 3 से 6 दिन में सही हो जाता है, स्किन पीलिंग वगैरह देखने को मिलती है, सेकेंड डिग्री 3 वीक्स लग जाते हैं, तो यह है कि फर्स्ट डिग्री 1 हफ्ता लगभग लगेगा और सही हो जाएगा, और जो सेकंड डिग्री है वो तुम्हारा 3 वीक लगेंगे उसको सही होने में, और जो थर्ड डिग्री है उसमें यह है कि स्मॉल एरियाज जो हैं वो मंथ्स लगेंगे उसको सही होने में, और लार्ज एरियाज जो है वहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। स्कार की अगर बात करें तो फर्स्ट डिग्री में कोई स्कार देखने को नहीं मिलता है, स्लाइट डिसकलरेशन देखने को मिल सकता है, सेकेंड डिग्री में आपको स्कार देखने को मिलेगा और थर्ड डिग्री में भी देखने को मिलेगा। कॉज की अगर बात करें तो फर्स्ट डिग्री का कॉज होता है सनबर्न, स्कैल्ड, फ्लैश फ्लेम, सेकेंड डिग्री का कॉज होता है स्कैल्ड, फ्लैश बर्न्स, केमिकल्स, थर्ड डिग्री का होता है कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, हॉट सरफेस, हॉट लिक्विड्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक। मेडिको लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा कि फर्स्ट डिग्री जो है वो सिंपल इंजरी है, सेकेंड डिग्री जो है तुम्हारी वो ग्रीवियस इंजरी है, और थर्ड भी ग्रीवियस है। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ, अब पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ बर्न।